नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुजालपुर सिटी स्थित शीतला नगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 9 में आज वार्ड के रहवासियों ने वार्ड की समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ एवं वार्ड पार्षद का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जब तक हमारा रोड नहीं बन जाएगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, पहले रोड फिर वोट। वार्ड नंबर 9 में आस्था स्कूल के पास से गुजरने वाला मुख्य मार्ग गंभीर दशा में है। गर्मी के मौसम आता है तो वहाँ आधा किलोमीटर के मुख्य मार्ग पर तलैया जैसी स्थिति बन जाती है। ज्योति मार्ग बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है, जहां से आम आदमी का आना जाना तो दुश्वार है ही, छोटे बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं और हमेशा इस रोड से आते जाते समय बच्चे गिरकर घायल हो जाते हैं। इस समस्या से कई बार वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया है, लेकिन चुनाव के बाद किसी ने भी यहाँ दोबारा आकर झांकना उचित नहीं समझा। इसीलिए आज वार्डवासियों ने मीडिया कर्मियों के सामने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ वार्ड पार्षद का पुतला जलाया और महिला पुरुष सभी ने एक सूत्र में कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पहले रोड उसके बाद वोट। वह इसके संबंध में जब नगर पालिका के सीएमओ से बात करना चाहा तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। इस अवसर पर वार्डवासी विष्णु शर्मा, रोहित जाटव, राहुल जाटव, कैलाश नेता, सुनील शर्मा, शैलेंद्र सिसोदिया सहित बड़ी मात्रा में वार्ड के महिला पुरुष मौजूद थे। सुजालपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।